हिसार में इनेलो कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों को लेकर केंद्र व हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि फसल बीमा राशि बढ़ाने को लेकर प्रदेश के किसानों में भारी रोष है। बता दें कि भाजपा सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के प्रीमियम में की गई बेहताशा बढ़ोतरी के विरोध में इनेलो पार्टी के जिलाध्यक्ष सतबीर सियास के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं फसल बीमा योजना के तहत बढ़ाई गई प्रीमियम राशि को वापस लेने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार संजय चौधरी को सौंपा गया। प्रदर्शन का संचालन किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव राजा ने किया। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव राजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने खरीफ फसल 2020 से फसल बीमा योजना की प्रीमियम में बेहताशा बढ़ोतरी की है, जिसके अनुसार 50 रुपये प्रति एकड़ धान, 10 रुपये प्रति एकड़ मक्की और 40 रुपये प्रति एकड़ बाजरा, 1030 रुपये प्रति एकड़ कपास और रबी की फसलों के लिए 8 रुपये प्रति एकड़ जौ और गेहूं और 15 रुपये प्रति एकड़ चना, सूरजमुखी और 130 रुपये प्रति एकड़ सरसों पर प्रीमियम बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि कपास व सरसों पर बीमा प्रीमियम की बढ़ोतरी बहुत ही ज्यादा है, जो कि कपास पर 620 रुपये बढ़ाकर 1650 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना की प्रीमियम में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी से यह साबित हो गया है कि भाजपा सरकार को किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले सरकार ने डीजल के दामों में, एक्साइज ड्यूटी व वैट कर की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है, जिसके कारण डीजल के रेट पिछले 4 माह से लगातार बढ़े हैं और लगभग 10 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को बिजाई के समय तेल की महंगा मिलने के कारण फसल की लागत पहले ही बढ़ गई है। अब बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी करना किसानों के हितों पर कुठाराघात है तथा असहनीय है। इनेलो किसान सेल के जिला अध्यक्ष राजीव राजा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसानों की बीमा राशि 620 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई है, जो किसानों के साथ अत्याचार है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले तो फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, इस सरकार में अनाज घोटाले सामने आ रहे हैं। राजीव राजा ने कहा कि प्रदेश के किसान आज अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। बिजली पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही, जिसके कारण किसानों को जीना दुश्वार हो गया है। ये आज का जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय के ऊपर ये जो किसानों की फसलों के बीमे के नाम पे बढ़ाई गई प्रीमियम की फसल का जो बीमे का राशि है, उस राशि को 620 रुपए से प्रदेश की गठबंधन सरकार ने 1650 रुपए कर दिया, जिसका इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी किसानों के साथ मिलके किसानों के हित के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि सरकार इस बढ़ाई हुई प्रीमियम राशि को जो 620 से 1650 की है, इसको वापस ले, क्योंकि किसान पहले ही इतना तंग इस गठबंधन सरकार ने किया है। गेहूं के टाइम पे, तुलाई के टाइम पे, भाव के टाइम पे, सरसों की तुलाई के टाइम पे सरसों आज तक घरों में पड़ी है। आपने धान का घोटाला इन्होंने किया और इनकी खरीदी हुई राशि इन्होंने वापस नहीं दी। 3 अध्यादेश लेके जो आए हैं, ये MSP जो की बात करते हैं, MSP लागू नहीं कर रहे, उसको कानून नहीं बना रहे हैं। और एक बात है, जो बढ़ाया गया जो डीजल है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल की कीमत ना के बराबर और यहाँ 10 रुपये पर लीटर बढ़ाया गया है, ये भी किसानों के ऊपर मार है। ऊपर से इन्होंने प्रीमियम की राशि 620 से बढ़ा के 1650 कर दी, ये एक मार है। और इन्होंने किसानों की फसल ना तुला के उसका प्रोक्योरमेंट के नाम पे, पोर्टल के नाम पे जो ये गबन कर रहे हैं और अनदेखी कर रहे हैं किसान के साथ, ये एक उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं किसान के साथ। MSP के नाम पे 3 अध्यादेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, नितिन गडकरी जी जो हमारे सेंटर के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनका बड़ा हास्यास्पद बयान है कि MSP भी एक इंटरनेशनल क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, तो माध्यम मानते हैं इसको। आप एक बात बताइए, MSP को आप कानून बनाइए, बड़े जो उद्योगपति हैं, घराने हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, अडानी अंबानी नवरत्न जैसी कंपनियां, उन कंपनियों के साथ ये लोग डील करके और इतना बड़ा जो किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता किसान के साथ लग के इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेगा, इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा होगा कि ये जो मदमस्त मदिरा की मदमस्त हाथ की हाथी की जो चाल ये प्रदेश की गठबंधन सरकार चल रही है, इसको इस बात का आभास करवाएंगे
कि आप प्रदेश की किसान के साथ इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं, आज ये नहीं देख रहे हैं, आज इनके कानों पे जूनी गूंज रही है। आने वाले बड़ौदा चुनाव के अंदर प्रदेश की जनता और वहाँ विधानसभा क्षेत्र के लोग और किसान इस बात का जवाब देंगे। अगर मैयड़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, किसान बैठे पानी के लिए, पानी की समस्या ट्यूबवेल के अंदर पानी जब किसान लगाता है तो उसमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने जो बताया क्रूड ऑयल बिल्कुल ना के बराबर और इन्होंने 10 रुपये पर लीटर का जो डीजल का भाव बढ़ाया, ये भी किसान के ऊपर बहुत बड़ी मार है। इस टाइम फसल उन्होंने खरीफ की फसल को पकाना है, पानी की ज़रूरत है, जीरी के अंदर धान के अंदर ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ये 3 अध्यादेश लेके आ रहे हैं, वो भी किसान विरोधी हैं। बिजली का जो इन्होंने अगर जहाँ पे इन्होंने बिजली के कनेक्शन मोटरों के ऊपर जो ये किसानों के साथ करें कि आज इतने वाट की आपको लागू कर देंगे, फिर उसी बात को ये बदल जाते हैं, पलट देते हैं, ये भी किसान के विरोध में है। लाइनों में लगा रहता है लेकिन कोई कनेक्शन इन्होंने अभी तक ट्यूबवेल का नहीं दिया है। डीजल से अगर अपना डीजल जला गए, अगर किसान अपनी फसल को पकाना चाहता है तो डीजल के भाव इतने बढ़ा दिए हैं, तो ये चारों तरफ से किसान के ऊपर मार है। मैंने आपको विस्तार से बताया कि गेहूं की मार मारी इन्होंने, धान की मार मारी इन्होंने, और सरसों के ऊपर इनका मार मारी, चने की तुलाई के अंदर इन्होंने घोटाला किया, 5-5 किलो पर बैग के साथ इन्होंने ज़्यादा तोल के किसान को कम बताया, और आज किसान के साथ ये जो प्रीमियम की राशि बढ़ा के बीमे के नाम पे किसान को के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय करी, धोखाधड़ी, इसको लूटने का काम कर रही है। आगे का जो देखो, आगे बहुत प्रदेश स्तर पे प्रोटेस्ट करेगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेतृत्वों का, जो भी हमारा जो आदेश होगा उस हिसाब से प्रदेश का हर कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल का किसानों के साथ कदम से कदम मिला के पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा, धरने जुलूस करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.